इस वीडियो के माध्यम से हम क्लाइंट एलोकेशन के बारे में जानेंगे। क्लाइंट एलोकेशन के लिए ब्रांच में फील्ड स्टाफ के लिए दो कैटेगरी बनाई गई है। कैटेगरी वन रिलेशनशिप ऑफिसर, जो कि 400 MFL वाले क्लाइंट्स को हैंडल करेंगे, और कैटेगरी सेकंड यानी कि रिलेशनशिप ऑफिसर, जो 125 क्लाइंट को हैंडल करेंगे, जिसमें राइट ऑफ वाले क्लाइंट भी इंक्लूड रहेंगे और अन्य प्रोडक्ट जैसे कि MEL, SEL, MBL और CML के क्लाइंट भी शामिल होंगे। अब हम देखते हैं, जानते हैं क्लाइंट एलोकेशन स्टेप के बारे में। इसके लिए आपको कैपिटल सेल्स ऐप में लॉगिन करना होगा और ब्रांच पर क्लिक करके आपको DCR रिपोर्ट वाले सेक्शन पर क्लिक करना होगा। फिर आपको DCR पर क्लिक करना है, फिर डिमांड पर क्लिक करके आपके सामने एक ऑप्शन आएगा मार्क क्लाइंट एंड सेंटर, उसे सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप उसे सेलेक्ट करेंगे, आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे मार्क क्लाइंट एंड मार्क सेंटर। यदि आपको किसी क्लाइंट को स्टाफ को मार्क करना है या एलोकेट करना है, तो उसके लिए आप मार्क क्लाइंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यदि आपको ब्रांच में किसी सेंटर को, किसी स्टाफ को मार्क करना है, तो उसके लिए आप मार्क सेंटर पर क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले हम किसी क्लाइंट को, स्टाफ को मार्क करते हैं। उसके लिए हमें मार्क क्लाइंट पर सेलेक्ट करना होगा, और जिस भी क्लाइंट को आपको मैप करना है या एलोकेशन करना है, उसके लिए आपको उस क्लाइंट की लोन आईडी को सेलेक्ट करना है। फिर आपके सामने स्क्रीन पर जैसा कि दिखाई दे रहा है, करंटली मार्क टू, यह ललित प्रताप सिंह स्टाफ को मार्क है। अब यदि आपको इसे किसी दूसरे स्टाफ को मार्क करना है या एलोकेट करना है, तो उसके लिए आप चेंज टू ऑप्शन पर सेलेक्ट वाले ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने एग्जिस्टिंग स्टाफ की लिस्ट ओपन होगी। इसमें आप उस स्टाफ को सेलेक्ट करें जिसे यह क्लाइंट एलोकेट करना है, और सबमिट बटन पर क्लिक कर देवें। इसी प्रकार यदि आपको किसी सेंटर को, किसी स्टाफ को एलोकेट करना है, तो उसके लिए आप डिमांड पर क्लिक करके क्लाइंट मार्क क्लाइंट एंड सेंटर पर क्लिक करके, इस बार आप मार्क सेंटर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर वह सेंटर नंबर सेलेक्ट करेंगे जिसे आप किसी अन्य स्टाफ को एलोकेट करना चाहते हैं। अब आप इसी प्रकार चेंज टू पर उस स्टाफ का नाम सेलेक्ट करेंगे जिसे आप यह सेंटर एलोकेट करना चाहते हैं, और अंत में आप सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। अंत में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रांच में जब कभी भी नया स्टाफ आए, तो उनको भी क्लाइंट एलोकेशन होना अनिवार्य है। धन्यवाद।